नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हां दोस्तों, हम आप सभी से बात करते आ रहे हैं अंगूर के संबंध में। अंगूर एक बेहद ही लाभकारी औषधि है दोस्तों, जो हमारे लिए दवाई के रूप में काम करती है और बहुत ही टेस्टी भी होती है। आइए, अंगूर के कुछ एक और गुणों से हम वाकिफ होते हैं दोस्तों। अगर आपको दमा है दोस्तों, तो दमे में अंगूर खाना बहुत लाभदायक है। यदि थूकने में रक्त आता हो तब भी अंगूर खाने से लाभ होता है। हृदय में दर्द एवं धड़कन, रोगी यदि अंगूर खाकर ही रहे तो हृदय रोग शीघ्र ठीक हो जाते हैं। अंगूर हृदय के लिए लाभदायक है। सोडियम और पोटेशियम हृदय की गति के लिए आवश्यक तत्व हैं, जो अंगूरों में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जब हृदय में दर्द हो और धड़कन अधिक हो तो अंगूर का रस पीने से दर्द बंद हो जाता है तथा धड़कन सामान्य हो जाती है। थोड़ी देर में ही रोगी को आराम आ जाता है तथा रोग की आपात स्थिति दूर हो जाती है दोस्तों। अंगूर के सेवन से रक्त संचार और हृदय की गति संतुलित होती है। अंगूर एंटीऑक्सीडेंट है, इसे हृदयाघात के पहले तथा बाद में सेवन करने से लाभ होता है दोस्तों। शारीरिक दुर्बलता दूर करने और अच्छी सेहत के लिए प्रतिदिन 100 ग्राम अंगूर या 20 ग्राम किशमिश दूध के साथ खाना अच्छा रहता है दोस्तों। घबराहट, अंगूर खाने से घबराहट दूर हो जाती है दोस्तों। रक्त स्राव, 100 ग्राम अंगूर नित्य खाते रहें, इससे नाक, मुंह और पेशाब के रास्ते से आने वाला रक्त स्राव बंद हो जाता है। इससे जीर्ण, ज्वर, घबराहट, टीबी आदि रोगों में भी लाभ होता है दोस्तों। मासिक धर्म अनियमित श्वेत प्रदर, 100 ग्राम अंगूर नित्य खाते रहने से मासिक धर्म नियमित रूप से आता है। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसके लिए यह एक अच्छा टॉनिक है दोस्तों। गुर्दे का दर्द, अंगूर की बेल के 30 ग्राम पत्तों को पीसकर पानी मिलाकर छानकर नमक मिलाकर पीने से गुर्दे के तड़पते रोगी को आराम मिलता है दोस्तों। अगर आपको बार बार पेशाब जाना या मूत्राशय के लिए अच्छा नहीं है तो अंगूर खाने से बार बार पेशाब जाने की हाजमत कम हो जाती है दोस्तों। अंगूर का रस गुर्दों की कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अगर आपके पेशाब में जलन रहती हो और खुलकर पेशाब नहीं आता हो तो 50 ग्राम मुनक्के रात को पानी में भिंगो दें और सुबह मसल कर छान कर भुने जीरे के चूर्ण के साथ पिलाएं। इससे पेशाब की जलन दूर होकर पेशाब खुलकर आता है दोस्तों। शरीर में सुस्ती रहती हो तो 20 ग्राम मुनक्का गर्म दूध के साथ सुबह लें। नकसीर, जी हाँ दोस्तों, मीठे अंगूर का रस नाक से खींचने से नकसीर तुरंत बंद हो जाती है। फेफड़ों के सब प्रकार के रोग, यक्षमा, खांसी, जुकाम, दमा आदि के लिए अंगूर बहुत ही लाभदायक है दोस्तों। दूध वृद्धि, अंगूर खाने से दूध में वृद्धि होती है दोस्तों। कम दूध वाली स्त्री को अंगूर खाने चाहिए दोस्तों, जिससे कि उनके दूध में वृद्धि हो तो शिशु का पालन बहुत अच्छे से कर पाए वो। शक्तिवर्धक, अंगूर में फ्रक्टोज और ग्लूकोज होता है। अंगूर का रस जल्दी पचता है, शीघ्र ही शरीर में ताप और शक्ति देता है। अंगूर में 25% शर्करा और पर्याप्त मात्रा में लोहा होता है, जो रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ा देता है दोस्तों। रक्त की कमी वालों के लिए यह सर्वोत्तम है। यह कीटाणुनाशक है। अंगूर प्रबल क्षारीय आहार है, शरीर से विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। शारीरिक शक्ति के लिए अंगूर उत्तम आहार है दोस्तों। जब शारीरिक शक्तियां बहुत दुर्बल हो गई हों तो कुछ दिन केवल अंगूर का सेवन करके ही रहें। ये नया जीवन प्रदान करते हैं तथा समस्त अंगों को बल देते हैं। लंबी बीमारी के बाद शरीर में आई दुर्बलता दूर हो जाती है। ताजे अंगूरों का रस कमजोर रोगी के लिए लाभदायक है। यह रक्त बनाता है और रक्त पतला करता है, शरीर मोटा करता है। दिन में नित्य 2 बार अंगूर का रस पीने से पाचन शक्ति ठीक होती है दोस्तों।
कब्ज दूर होती है, वायु संचय नहीं होती, यह जल्दी पचता है, इससे दुर्बलता दूर होती है, सिर दर्द, बेहोशी के दौरे, चक्कर आना, छाती के रोग क्षय में उपयोगी है, रक्त विकार को दूर करता है, श्वेत प्रदर में लाभ होता है, गर्भ का बच्चा स्वस्थ एवं बलवान होता है, अंगूर रक्त में लोहा बढ़ाता है, गर्भावस्था में स्त्री प्रातः अंगूर खाती रहे तो स्वयं स्वस्थ रहेगी तथा होने वाला बच्चा स्वस्थ एवं हृष्ट पुष्ट होगा। जिन महिलाओं के गर्भाशय कमजोर हों उन्हें अंगूर का सेवन प्रतिदिन करना चाहिए, इससे गर्भाशय की दुर्बलता दूर हो जाती है। कील मुहासे एवं झाइयां। विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट है जो फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकता है। प्रदूषण, पराबैंगनी किरण, धूम्रपान और तनाव आदि से फ्री रेडिकल्स अणु पैदा होते हैं जो शरीर को कई तरह से नुकसान पहुंचाते हैं, खासकर त्वचा पर इसका काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ता है। चेहरे पर विटामिन सी का लेप लगाया जाए तो इससे त्वचा पर एक रेशमी आवरण चढ़ जाता है और त्वचा एकदम तरोताजा हो जाती है। दोस्तों, अगर आप कील मुहासों और झाइयों से दुखी हैं तो इसका सबसे सहज उपाय यही है कि आप अपने भोजन पर ध्यान रखें, पौष्टिक और सही भोजन करने की आदत डालें, हरी सब्जियां और फल पर्याप्त मात्रा में लें, तली हुई चीज़ों से भरसक बचें, खूब पानी पिएं और सबसे ज़रूरी बात है कि त्वचा को साफ करते रहें ताकि उस पर अतिरिक्त चिकनाहट न जमने पाए। त्वचा में मौजूद कई नुकसानदेह बैक्टीरिया को अंगूर मार डालता है। देखा गया है कि यदि अंगूर का लेप त्वचा पर लगाया जाए तो त्वचा खिल उठती है, लेकिन यहाँ यह याद रखना चाहिए कि अंगूर जितना हरा होगा त्वचा पर निखार उतना ही बेहतर रहेगा। दोस्तों, मुख सौंदर्य एवं झाइयां एवं झुर्रियाँ। जी हाँ दोस्तों, मुख सौंदर्य एवं झुर्रियाँ। अंगूर का रस चेहरे पर रुई के फोहे से लगाकर 10 मिनट बाद धोएं, रोम कूप साफ हो जाएंगे। यदि त्वचा शुष्क रूखी हो तो 2 भाग अंगूर का रस 1 भाग गुलाब जल मिलाकर लगाने से त्वचा कोमल हो जाती है। अंगूर का रस लगाएं तथा अंगूर खाएं। 2 माह ऐसा करने से चेहरे की झुर्रियाँ दूर होकर चेहरा कांतिवान हो जाएगा। उपवास। जी हाँ दोस्तों, उपवास में अंगूर खाने से दुर्बलता प्रतीत नहीं होती है। दांत का दर्द हो, हिलते हो तो अंगूर चूसें, लाभ होगा। दोस्तों, घाव। नियमित अंगूर खाने से घाव शीघ्र भर जाते हैं। दोस्तों, अम्लपीत। अम्लपीत में अंगूर व अनार का रस समान मात्रा में मिलाकर पीने से छाती की जलन दूर हो जाती है, उल्टी नहीं होती। आँखों के आगे अंधेरा छाना। जी हाँ दोस्तों, काले अंगूर आँखों के लिए लाभकारी होते हैं। काले अंगूर में ल्यूटिन नामक तत्व काफ़ी मात्रा में पाया जाता है जो आँखों के स्वास्थ्य के लिए टॉनिक का कार्य करता है। इतना ही नहीं, अंगूर में जीएक्स एंथिन नामक एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो आँखों को रोगों से बचाता है। आँखों में रेटिना के पीछे पीले रंग का द्रव्य होता है जो आँखों के हानिकारक तत्वों से रक्षा करता है। अंगूर इसी पीले रंग के द्रव्य को बढ़ाता है। लगातार कुछ महीने 100 ग्राम काले अंगूर खाएं, क्षीण होती नेत्र ज्योति बढ़ जाएगी। दोस्तों, नशीले पदार्थ। सिगरेट, चाय, कॉफ़ी, जर्दा, शराब की आदत केवल अंगूर खाते रहने से छूट जाती है। दोस्तों, तो देखा आपने कि आप सभी के लिए अंगूर कितना लाभकारी और कितना उपयोगी साबित होता है। दोस्तों, इसी प्रकार से हम अन्य जानकारियों को एकत्रित करके आप सभी के सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया, नमस्कार।